अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर जिला मुख्यालय ने अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने अन्य सहयोगी संगठनों के साथ महिलाओं से जुड़ी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद जनवादी महिला समिति ने महिलाओं की मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधीश सिरमौर के जरिए मुख्यमंत्री को भेजा। वही मीडिया से बात करते हुए अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व मुख्य सलाहकार संतोष कपूर ने कहा कि महिलाएं हमेशा संघर्ष का प्रतीक रही हैं और उन्हें आज भी कई मुद्दों को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है। संघर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जाना जाता है और हमारा मानना यह है कि आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और तमाम जो संगठन है, हमारा मानना है कि आज महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो आज जो उनकी चुनौतियां हैं और देश के अंदर महिलाएं महंगाई की मार को झेल रही है, महंगाई से त्रस्त है, आज उनके घरों में दो वक्त का खाना नहीं है, आज जो रसोई गैस सिलेंडर मोदी सरकार ने जयराम ठाकुर जी ने उज्ज्वला का नाम से लोगों के घरों में दिए थे, जिसमें ये कहा था कि उनके घरों में जो महिलाएं चूल्हे के अंदर धुएं के कारण जो उनके आंसू आते हैं उस आंसू को वो साफ करने के लिए उन्होंने उज्ज्वला सिलेंडर दिए थे, आज वही सिलेंडर जो है महिलाएं ₹1000 का भरवाने के लिए विवश है और उनके पास क्योंकि ₹1000 नहीं है इसलिए वो धरे के धरे सिलेंडर रह गए हैं। और यहाँ पे इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को उस रूप में मनाना चाहते हैं कि ये एक बड़ी चुनौती आज के डेट के अंदर है। यह जो रसोई गैस सिलेंडर आपने इतना महंगा कर दिया है, जो राशन आपने इतना महंगा कर दिया है, आपने जो शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया है, आपने शिक्षा जो है आम महिला के ऊपर एक ऐसा गाज गिरा दी है कि वो बच्ची पढ़ाई के लिए आज उनका परिवार जो है, क्योंकि हमारे समाज की स्थिति ऐसी है कि महिलाएं दोयम जगह पर आती हैं, जब उनका शिक्षा जो है प्राइवेट हाथों में जाएगी तो सबसे पहले बच्चियों की शिक्षा को रोका जाएगा और जब वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएगी तो उसका अपना विकास जो है वो रुक जाएगा। वहीं शिक्षा को प्राइवेट हाथों में देकर ऊपर से आपने रोजगार उनसे छीन लिए हैं, कर रहे हैं। ये जो मेडिकल कॉलेज है नाहन का मेडिकल कॉलेज लोगों के लिए ऐसा एक जगह बन गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए आम जनता के लिए कब्रगाह की तरह बन चुका है। यहाँ लोगों का इलाज ना होकर लोगों को रेफर किया जा रहा है और मरने को मजबूर किया जा रहा है। लोगों के महिलाओं के जो अल्ट्रासाउंड है एक एक दो दो महीने बाद करवाए जा रहे हैं। ये लोगों को प्राइवेट हाथों में बेचने का सीधा सीधा हम आरोप लगाना चाहते हैं कि ये सरकार की साजिश है।